नमस्ते, आप देख रहे हैं शक्ति योगा विद शैली। मैं हूं शैली। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे किया जाता है पिजन पोज। ये पोज बहुत अच्छा हिप ओपनर है, आपके हिप रीजन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। इसके साथ साथ एक ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है बॉडी में। तो चलिए मिलकर करते हैं पिजन पोज। पिजन पोज कपोतासन, इसकी शुरुआत टेबल टॉप पोजीशन से भी की जा सकती है या फिर डाउनवर्ड डॉग पोजीशन से। अपने बाएं घुटने को हाथों के बीच में लेकर आएं और दाएं पैर को पीछे स्ट्रेच करें। बाएं पैर को अगर आप आगे की तरफ थोड़ा ला सकते हैं तो कोशिश करें, अगर नहीं तो जहां है वहीं रहने दें। अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करिए। यहाँ ध्यान रखिए कि जो दायां पैर पीछे की ओर स्ट्रेच्ड है वो एकदम सीधा रहे। इस आसन को जब हम करना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस यहाँ होते हैं, क्योंकि हिप एरिया और थाइज हमारे काफ़ी टाइट होते हैं तो ज़मीन के करीब आना थोड़ा मुश्किल होता है, विच इज़ ओके। इस पोज को थोड़ा और कंफर्टेबल करने के लिए आप टावल अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं या फिर एक पतला कंबल अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें। कम से कम 10 सेकेंड इस पोज को हम होल्ड करेंगे और बाहर आने के लिए हम अधोमुख श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे और फिर बालासन में कुछ देर हम रिलैक्स करेंगे। योगा में लेफ्ट और राइट साइड्स को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, तो अब आप कपोतासन अपनी राइट हैंड साइड पर करेंगे। आप अपने हाथों को अपनी बाजुओं को मैट पर लाकर भी कपोतासन को होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। दोनों ही साइड्स को इक्वली बैलेंस करेंगे 10-10 सेकंड के लिए कम से कम। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। शक्ति योगा विद शैली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मेरे साथ आप योगा करते रहिए और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।